हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल तो दोस्तों सभी करते हैं, लेकिन आपको जरूर पता रहना चाहिए कि सिक्योर ब्राउजिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों वीपीएन के बारे में बताने के साथ साथ उसके बहुत सारे फायदे आपको बताएंगे कि कैसे आप वीपीएन के इस्तेमाल करके बहुत सारे चीजों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन जस्ट आपके नॉलेज के पर्पस के लिए बनाया हूं मैं, इसका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेधड़क अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, आप इंटरनेट पे जो भी कुछ ब्राउजिंग या फिर कुछ इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डेटा कंपनियों के पास दोस्तों उन सभी चीजों का रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक सिक्योर इंटरनेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको दोस्तों एक अच्छा वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में वीपीएन है क्या। दरअसल दोस्तों आज के समय में लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। हम सभी चाहते हैं कि हम दिन भर में जो भी इंटरनेट चलाते हैं हमारे सिवाय उसके बारे में कोई भी ना देख पाए या फिर जानकारी ले पाए। इसके लिए दोस्तों आपको वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको काफी सिक्योर रखेगा। आपको मैं बता दूं कि वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड या फिर जिस कंपनी के देश के साथ आप इंटरनेट चला रहे हैं उसे आप किसी और कंपनी का सिम कार्ड या फिर किसी और देश का इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला बना सकते हैं, वो भी वीपीएन की मदद से। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल अगर इंडिया में कर रहे हैं तो अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, किसी और कंट्री का बना सकते हैं। इसमें दोस्तों किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसे फायदे बता देता हूं जिससे आपको बहुत सारे चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहली बात है कि आपको एक प्राइवेट नेटवर्क मिल जाता है और आपको इंटरनेट पे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और आपके साथ फ्रॉड भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार बहुत सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखती है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज होती हैं जहां पे वो वेबसाइट आसानी से खुल सकते हैं। तो अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उस कंट्री का बना दें जहां पे वो वेबसाइट खुलती हो तो आप आसानी से इंडिया में रह के ब्लॉक वेबसाइट को भी आसानी से खोल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अगर आपको गेम या फिर एप्लीकेशन किसी कंट्री में बैन हो तो वो भी दोस्तों आप वीपीएन के मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन छुपाना हो तो भी आप वीपीएन के मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन छुपा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऑनलाइन बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वीपीएन के नुकसान क्या क्या है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी चीजों के फायदे होते हैं तो कुछ चीजों के नुकसान भी होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप गलत वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही अपने सिक्योरिटी को खो देंगे। और ऐसा नहीं कि वीपीएन का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल अपने आप को प्राइवेट बना लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गलत वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारे डिटेल थे वीपीएन के, और अगर आपको सिक्योर वीपीएन का इस्तेमाल करना है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल के लिए है और लैपटॉप के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए भी, दूसरे exe फाइल्स है जो कि सिक्योर वीपीएन आपको देंगे। तो दोस्तों जैसे छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।